पर्सनल इश्यूज़ की वजह से मैंने चैनल पे भी वीडियोस मैंने कंटिन्यू नहीं कर पाई थी, तो आज मैंने सोचा चलो एक डे इन माय लाइफ कर लेती हूँ। तो एक व्लॉग काइंड ऑफ वीडियो है और आपको मेरे इस चैनल पे आपको व्लॉग्स, डीआईवाईज, रेसिपीज तो ये सब आपको देखने को मिलेगा, सब चीज़ का मिक्सचर मिलेगा आपको मेरे चैनल पे। तो होप कि आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो आज संडे है, तो आज सुबह अभी हो रहा है 8:30 होने वाले हैं। बस अभी चाय हुई है क्योंकि आज हो गई है बारिश, कल रात को बहुत अच्छी बारिश थी, मौसम बहुत अच्छा हो गया था तो सुबह उठने का बिल्कुल मन नहीं किया। तो अभी बस चाय हो रही है और अभी सुबह का ब्रेकफास्ट भी रेडी करना है। तो अगर मैं अपने बारे में बताऊँ तो मैं एक हाउस वाइफ हूँ, मेरा अभी 14 मंथ्स ओल्ड अभी बेबी है। तो हम दोनों ने चाय पी ली है और मेरा बेटा अभी सो रहा है। आपको होप कि आज का ये मेरा जो डे इन माय लाइफ वीडियो है आपको अच्छा लगेगा। मेरे को कोई व्लॉग का एक्सपीरियंस नहीं है गाइज, तो स्टार्टिंग है, थोड़ी मिस्टेक हो सकती है लेकिन हम अपने मिस्टेक से सीखते हैं। तो होप कि आपको अच्छा लगेगा गाइज। तो चलिए स्टार्ट, अभी चाय पी लेते हैं उसके बाद चलते हैं ब्रेकफास्ट की तरफ। आज मैं बना रही हूँ इडली, सूजी की इडली बना रही हूँ क्योंकि जो चावल वाली इडली होती है उसमें बहुत टाइम लगता है। तो आज मैं बना रही हूँ सूजी की इडली और साथ में बनाऊंगी टोमेटो चटनी। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं, होप कि आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। तो मैंने ये एक कटोरी सूजी ली है, थोड़ा सा और चाहिए था बट सूजी खत्म हो गई है मेरी, तो कोई नहीं इसी से ही काम चलाते हैं। मैं जितनी क्वांटिटी सूजी की लेती हूँ उतनी क्वांटिटी में दही लूँगी, थोड़ा सा नमक यूज़ करूँगी, इसको मिक्स कर लेंगे, थोड़ा सा पानी भी ऐड करेंगे लेकिन पानी ना आप ऐड करते हुए ध्यान रखना ज़्यादा लूज मत करना, तो थोड़ा थोड़ा पानी ही ऐड करना। हल्का सा और ऐड कर रही हूँ। ओके, तो अभी आप कंसिस्टेंसी देख सकते हैं इसकी। अभी हम इसको 15 से 20 मिनट के लिए ढक के रख देंगे ताकि जो हमारी सूजी है वो फूल जाए। अभी मैंने इसमें इनो या सोडा कुछ ऐड नहीं किया है, वो मैं 15 मिनट बाद ऐड करूंगी। तो अभी मैं इसको ऐसे ढक के रख देती हूँ। तो ओके, जितने हमारा जो सूजी है जितने वो फूल नहीं जाता, जितने वो रेस्ट कर रहा है, इतने हम बना लेते हैं अपनी टोमेटो चटनी। उसके लिए यहाँ पे मैंने एक प्याज लिया है, एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा लिया है और ये दो टमाटर लिए हैं। चटनी के लिए मैं यहाँ पे पैन चढ़ा देती हूँ, ऐड करूँगी मस्टर्ड ऑयल। मैं यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। तेल जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तो हम इसमें डालेंगे राई, सरसों, आई थिंक सरसों बोलते हैं इसको, और बाकी हम ये तीनों चीज़ें साथ में ही ऐड कर देंगे। अच्छे से छिड़केगा। ओके, तो ये इहू भी उठ गया है, इसका नाम इहू है। इहू से हाय, इवान नाम है लेकिन हम इसको घर पे प्यार से इहू बुलाते हैं। तो इसके लिए सब नया नया है तो ये अभी देख रहा है कि क्या हो रहा है। तो ये उठ गया था पहले ही, इसके पापा ने इसको दूध पिला दिया था। अभी थोड़ी देर खेलेगा, उसके बाद आराम से फैशन अप होके नहा के फिर ये ब्रेकफास्ट करेगा, है ना इवो? से हाय, से हाय, से हाय। ओके, तो 20 मिनट्स हो गए हैं, तो अभी हम देख लेते हैं कि हमारी सूजी फूल
फूली है कि नहीं, तो आप देख सकते हैं सूजी जो है फूल गई है। और अब हम इसमें थोड़ा सा सोडा डालेंगे, मैं सोडा ऐड कर रही हूँ, बहुत से लोग इनो भी डालते हैं, अभी मेरे पास इनो है नहीं तो मैं अभी सोडा से ही काम चला लूंगी, खाने वाला जो सोडा होता है। थोड़ा सा डालना है आपको, ज्यादा नहीं डालना, जस्ट इतना सा लेना है, बहुत थोड़ा सा सोडा डालना है। और जब आप सोडा ऐड करें तो आपको ज्यादा देर रखना नहीं है, तुरंत आपको डालना है। और मैंने ऑलरेडी जो है इडली कुकर जो है चढ़ा दिया है मैंने गैस पे, पानी चढ़ा दिया है। ओके, तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ऑयल डाल के इसको क्रीज कर रही हूँ। ऑयल मैंने यहाँ पे कोकोनट ऑयल यूज किया है, आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं, थोड़ा थोड़ा डालना है क्योंकि ये फूलेगा। ओके, जितनी मैंने क्वांटिटी ली है उससे आपके 9 इडली बन जाएगी। तो अभी हम इसको चढ़ा देते हैं। अभी आप देख सकते हैं पानी भी गर्म हो गया है, तो अब मैं इसमें इसको रख दूँ। ओके गाइस, तो मैं आपको नहीं दिखा पाई थी चटनी बनाने की रेसिपी, वो इसलिए क्योंकि मेरे जो फ़ोन की बैटरी है वो डाउन हो गई थी। तो मैं आपको बता देती हूँ आपको क्या करना है। सिंपल, जब वो आपका सॉफ्ट हो जाते हैं प्याज टमाटर और अदरक, जब थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे तो उसमें जस्ट आपको कुछ भी नहीं डालना, जस्ट नमक हम ऑलरेडी सॉफ्ट जल्दी सॉफ्ट होने के लिए डालेंगे, तो वो स्वाद अनुसार आप डाल सकते हैं। थोड़ा सा मैंने लाल मिर्च डाला था, थोड़ी सी हल्दी। जब वो अच्छे से जब वो भुन जाएगा उसके बाद आपको, वो ठंडा होने के बाद आपको जस्ट उसको मिक्सी में ग्राइंड करना है। तो मैं एक बार दिखा देती हूँ, मैंने ऑलरेडी ग्राइंड कर लिया है और हमारी जो इडली है वो भी एक साइड से हो रही है, तो उसको भी चेक कर लेते हैं। तो ये रही गाइस हमारी टमाटो चटनी, बहुत इजी है, जल्दी बन जाता है और इडली के साथ आप जल्दी बनाने के लिए आप बना सकते हैं, बहुत जल्दी बन जाता है और बहुत टेस्टी लगती है। तो एक बार आप ट्राई ज़रूर करके देखिएगा इसको। और अब हम देख लेते हैं कि हमारी जो इडली है उसके क्या हाल हैं। तो हम इसको चेक करेंगे टिकटॉक की हेल्प से, हम ऐसे चेक करके देखेंगे, हो गई है ये इडली। तो मैं अभी इसको ऑफ कर देती हूँ, ऑफ करके इसको हम थोड़ा ठंडा होने देंगे, ठंडा होने के बाद हम अपना ब्रेकफास्ट करेंगे। ओके, तो हमारा इवू जो है नहा के बिल्कुल रेडी होके आ चुका है, बिल्कुल रेडी है वो ब्रेकफास्ट करने के लिए। इवू, इवू से हाय, से हाय। तो अभी इवो बिल्कुल ईगरली ब्रेकफास्ट करने के लिए बिल्कुल वेट कर रहा है और उसको भी नींद भी आ रही है। तो आप देख सकते हैं हमारा जो ब्रेकफास्ट रेडी है। और ये इवो का मैंने अभी इसके लिए भी चटनी डाल दी है, पता नहीं खाएगा नहीं, मैंने मिर्ची कम डाली है। तो चलो देखते हैं। इडली है नहीं, चटनी है ना। Very good, very good. So he also liked the breakfast. Very good. Yeah. Very good. Very good. What is this? Idli. 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 Say daddy. Daddy. Say papa. Papa. Say mama. Say mama. Yes, he is a very good one. Say mama. Papa. Mama. Papa. Say mama. Papa. Thank you.
फ्रेंड्स अभी बज रहे हैं 12 बज चुके हैं, मेरी सारी क्लीनिंग हो चुकी है और अभी तक इवू सो रहा है, वो उठा नहीं है। और दोपहर के लिए एक्चुअली कल ही जो है हस्बैंड ने एक इजी और स्पेशल चिकन करी बनाई है, तो दोपहर के लिए चिकन करी है और चावल अभी मैंने डाल दिए हैं, देख सकते हैं आप। ये बासमती चावल नहीं है, ये मोटे वाले चावल हैं, बासमती कभी कभी बनता है, तो चावल डाल दिए हैं, तो वो भी अभी बनने में टाइम लगेगा, अभी वो सो रहा है। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं अपने दूसरे चैनल के लिए एक वीडियो शूट कर लूँ। एक्चुअली चैनल और है मेरा ममा एंड इवान के नाम से, वो मैंने इससे पहले स्टार्ट किया था, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कुछ पर्सनल इश्यूज़ की वजह से मैं दोनों चैनल्स पे अपने वीडियोस कंटिन्यू नहीं कर पाई, तो अभी मैं वापस से आवाज़ है गाड़ी की, प्लीज़ इग्नोर करना। तो मैं सोच रही हूँ वापस से मैं चैनल स्टार्ट करूँ, दोनों को मैं पूरी कोशिश करूँगी। आप समझ सकते हैं मेरा भी 14 महीने का बेटा है, तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो पाता उसके साथ कंटिन्यू करना, तो मैं पूरी कोशिश करूँगी। और अभी सैटरडे संडे को ही मेरे हस्बैंड का ऑफ रहता है, तो वो उसको संभाल लेते हैं, तो मुझे थोड़ा टाइम मिल जाता है, अदरवाइज़ उसके साथ पॉसिबल नहीं हो पाता। तो अभी वो सो रहा है, तो मैं सोच रही हूँ उस चैनल के लिए शूट कर लूँ वीडियोस, उसमें आपको मदर केयर, बेबी केयर और बेबी फूड रेसिपीज़ आपको ये सब देखने को मिलेंगी, पेरेंटिंग रिलेटेड वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। तो अगर आप चाहते हैं तो आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियोस आप चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए, अगर अभी टाइम है तो मैं वीडियो शूट कर लेती हूँ, मिलती हूँ आपसे। और तब तक मैंने ऑलरेडी उस चिकन की रेसिपी मैंने शूट की है, तो तब तक आप उस चिकन की रेसिपी को देखिए, फिर मिलती हूँ मैं आपसे, बाय। बज रहे हैं 1:30, मैंने एक वीडियो पूरी शूट कर ली है ममा एंड इवान के लिए, तो आप जाके जरूर देखिएगा, पीरियड्स आफ्टर डिलीवरी, फर्स्ट पीरियड्स आफ्टर डिलीवरी। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो जाके उस चैनल पे चेक कर सकते हैं, मैं होपफुली आज ही डाल दूंगी वीडियो। और अभी 1:30 बज रहा है, मेरा लंच ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुका है, होप कि आपने चिकन की रेसिपी देख ली होगी। और इवू अभी तक सो रहा है, अभी उठा नहीं है, तो अभी हम दोनों फटाफट से लंच करेंगे। तो चलिए दिखा देती हूँ मैं आपको अपना लंच। ओके, तो आज लंच में है चावल और चिकन करी, और मैंने अभी फटाफट से एक थोड़ी सी दही रखी थी सुबह की, तो मैंने उसमें थोड़ा सा प्याज और हरी मिर्च डाल के, आप चाहे तो इसमें टमाटर भी ऐड कर सकते हैं, बट मैंने नहीं किया, थोड़ा सा नमक डाल के मैंने फटाफट से एक दही सैलड बना लिया है, तो आप ये ऐसा बना सकते हैं। तो चलिए फिर हम लंच कर लेते हैं, मिलती हूँ आपसे लंच के बाद। तो हाय गाइस, 2 बज चुका है, लंच हमारा हो चुका है, और मैंने हैंड टू हैंड किचन तभी क्लीन कर दिया था, और वो अभी तक नहीं उठा है, वो अभी भी सो रहा है, तो जब वो उठ जाएगा तो मैं उसको लंच करा दूंगी। तो मैंने सोचा इतने मैं टाइम वेस्ट ना करूँ, मैं इतने वीडियो एडिट कर लूँ, क्योंकि एक बार वो उठ गया ना तो फिर एडिटिंग तो बिल्कुल हो ही नहीं सकती है, क्योंकि उसको आदत है आके वायर लेगा, कभी लैपटॉप पे हाथ लगाएगा, माउस लेके भाग जाएगा, तो फिर तो मैं वीडियो एडिट कर ही नहीं सकती। तो अभी वो सो रहा है, तो मैं चलिए जितनी एडिट हो जाती है वीडियो मैं उतनी एडिट करके रखती हूँ, फिर जैसे टाइम मिलेगा तो एडिट कर लूँगी। तो कोशिश तो मैं यही करूँगी कि आज ही एडिट करके मैं अपलोड कर दूँ, तो आप देखिएगा ज़रूर उस चैनल पे जाके इस वीडियो को। तो चलिए फिर आप लोग भी आराम कीजिए, मैं इतने वीडियो एडिट कर लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। ओके, तो मैं वीडियो एडिट करने ही बैठी थी कि ये रोने लगा, ये उठ गया, तो बस पहले मैं इसको फिर अभी लंच करा देती हूँ। इवो से हाय। हाय गाइस, तो इबू ने जो है अपना लंच कर लिया था, हाँ, तो उसके बाद मैंने उसको थोड़ा सा कीवी भी दिया था, अभी कीवी दिया था क्योंकि 3:30 बज रहा है, तो मैंने उसको अभी थोड़ा सा कीवी भी दे दिया, और अभी वो बैठा हुआ है।
उसने लंच में किया था थोड़ा सा राइस खाया था, और मैंने उसको उसके लिए क्या किया था, थोड़ा सा एक या दो पीस जैसे बोनलेस चिकन होता है उसको अलग से मैरिनेट करके रख लिया था, हल्का सा हल्दी नमक और थोड़ा सा काली मिर्च डाल के, तो वो बहुत इंजॉय करके खाता है तो उसने खा लिया था। तो बस अभी वो लग नहीं रहा वो मुझे एडिट करने देगा, बट मुझे इसने खा लिया है, मैं इसको ज़्यादा देर इस पर नहीं बिठा सकती, तो बस अभी मैं इसको इस चेयर पे से उतार देती हूँ। देखते हैं वीडियो कितना एडिट होगा, अभी एडिट नहीं हो पाया था क्योंकि वो तभी उठ गया था, तो उसके बाद इसने करने भी नहीं दिया। तो चलिए देखते हैं फिर। इवो से हाय, से हाय ना। एक्चुअली गाइस क्या है कि हमारी जो मदर टंग है वो मलयालम है, हम केरला से बिलोंग करते हैं, तो ये कुछ वर्ड्स तो ये बोलता है यहाँ हिंदी के, कुछ मतलब मिक्स बोलता है ये, अभी थोड़े थोड़े वर्ड्स ही बोलता है तो बोल लेता है। अभी वहाँ पे दो चिड़िया बैठी है तो वो चिड़िया को देख के खुश हो रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ अभी। देखिए वहाँ पे चिड़िया बैठी है तो ये उसको कर रहा है, चिड़िया चिड़िया वो चिड़िया चिया चिया हेलो। तो गाइस बज रहे हैं शाम के 5, चाय का टाइम हो गया, मैं बिल्कुल थक चुकी हूँ, वीडियो एडिट हो चुकी है, अपलोड नहीं हुई है, बस थंबनेल बनाना रह गया और अपलोड करना रह गया, तो हो जाएगी आज अपलोड। तो बस मैं थोड़ी देर के लिए बैठ गई थी, बस अभी चाय बनाऊंगी, चाय के बाद अभी 5:30 बजने जा रहे हैं शायद, और अभी भी बहुत तेज़ धूप हो रही है, तो थोड़ी देर सोच रहे हैं कि ऊपर टेरेस पे हुई है, जब धूप चाय पीने के बाद जब धूप थोड़ी कम हो जाएगी तब थोड़ी देर ऊपर टेरेस पे होके आएंगे, अदरवाइज़ क्या होता है और वीक डेज में टाइम नहीं मिलता। और ये बच्चा भी इस लॉकडाउन में अंदर रह के बिल्कुल परेशान हो जाता है, तो इसीलिए थोड़ी देर टेरेस पे होके आते हैं, थोड़ी खुली हवा खा के आते हैं। तो पहले चाय बनाऊंगी उसके बाद, तो मिलती हूँ मैं आपसे उसके बाद। Bye.